नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। चुनाव नतीजों के बाद आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक थी, जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। हालांकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक हो रही है, बैठक में जो खबर होगी आपको बताएंगे। और जो लक्ष्य हम लोगों का था एनडीए गठबंधन का कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो 9 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें तो कोई शंका नहीं है। विपक्ष जो बोला था 1-1 लाख एक महीना में कागज लेके खटाखट कार्यालय पर जा रहे हैं, अब बैंक में भेजे टनाटन नहीं तो दौड़ा ली है इन लोग के। ये लोग कहे थे ना कि संविधान खतरे में है, आज संविधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, अब वो खतरा टल गया। मैंने उन्हें धन्यवाद, कल हम लोग लेके आए हैं, कल शपथ ग्रहण में जाना। बाकी उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशित रिजल्ट है उस पर भी चर्चा हम लोगों में होगी, और निश्चित रूप से जो कमियां हैं वो उस पर आएगा, फिर आगे सुधार किया जाएगा, फिर जीतने तक। विपक्ष ने तो किस तरीके से काम किया है कि इस उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके धोखे में संविधान बदल दिया जाएगा, 450 एडिट वीडियो चलाया गया, तो इस तरीके से लोगों को भ्रम जाल में दिया है। तो वो अब जनता धीरे धीरे जान रही है, जैसे कांग्रेस के दरवाजे पर फटाफट पैसा देने की बात थी लेने आ रही है, तो ये तरीके की जनताओं को जो गुमराह किया है वो जल्दी जनता अब जान रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर देवरिया में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में हनुमान मंदिर परिसर में भारत की जीत के लिए हवन पूजन करवाया जा रहा है। वहीं युवा क्रिकेट खिलाड़ी रितेश कुमार गुप्ता ने भी भारत की जीत के लिए हवन किया है। हम मंदिर में हवन करा रहे थे, कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, जो इंडिया बहुत रंगों से विन करे और वर्ल्ड कप के लिए आगे बढ़े। हम देवरे के स्टेडियम में खेलते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रितेश कुमार गुप्ता है। हम सब उस मैच को लेकर के बड़े ही उत्साहित हैं, और श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में इंडिया की जीत पक्की करने के लिए हम सब हवन का आयोजन किए हैं, हवन कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज से निवेदन है कि सरकार जो है इस मैच को इंडिया के खाते में डालें। मथुरा वृंदावन के बीकानेर रेस्टोरेंट पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां रेस्टोरेंट में बने सेफ्टी टैंक में काम कर रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मजदूर काम कर रहे थे उसी दौरान टैंक में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में 3 मजदूर आ गए, जिसके चलते तीनों की मौत हो गई। आरोप लगाया जा रहा है कि मजदूर बिना किसी सुरक्षा के टैंक में काम करने उतरे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जांच कर रही है। इस पर परिजनों का आरोप है कि जो ओनर थे उनके द्वारा लापरवाही थे और लगातार प्रेशर दिया जाता था, सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं प्रयोग करने दिया। देखिए अभी तत्काल घटना हुई, हम लोग और सारी चीज़ों की जाँच की जा रही है, और जाँच में भी बिंदु शामिल रहेगा कि इसमें किस तरह की अगर कोई लापरवाही, जो भी लापरवाही करने वाला हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो परिजन है उनको आर्थिक सहायता देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आश्रम लैंड पे बता रहे हैं कि एक कॉमर्शियल एक्टिविटी खड़ी की गई, इस बिंदु को भी देखा जाएगा। लखनऊ के सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि सरकारी